नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में नगर निगम चुनाव की एक बार फिर से घोषणा हो चुकी है। तमाम विवादों के बाद एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है और चुनावी समर में तमाम प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं और उसी कड़ी में आज हम दानापुर में मौजूद हैं और नगर निगम अध्यक्ष पद दानापुर से प्रत्याशी हैं पूनम देवी, उनके पति हैं शंकर सिंह। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या जनता इन पर कितना भरोसा करेगी। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी। स्वागत हो। क्या मुद्दा है इस बार जनता के बीच में, क्या मुद्दा लेके जाए? मुद्दा तो हम लोग का यही है कि आज तक 60-70 वर्ष मतलब नगर परिषद दानापुर का लोग रहे, प्रतिनिधित्व किए, चेयरमैन रहे, सब रहे, लेकिन आज तक हमारे दानापुर नगर परिषद का कोई विकास का काम नहीं हुआ। सभी लोग सिर्फ लूट करके नगर परिषद को खा गए। हमारा मुद्दा यही है कि अगर हमारी पत्नी जीतती है पूनम देवी, तो सबसे पहले हमने दानापुर नगर परिषद का सबसे जल जमाव का सबसे पहले बड़का मुद्दा है जो कि उसको समस्या का हल करने का कोशिश करूँगा। दूसरा मुद्दा है कि दानापुर नगर परिषद में कोई भी रोड गली नाली सही ढंग से नहीं बना हुआ है, जिसका का पानी का निकास ना हो, कहीं नहीं है, उसका मैं विकास करने का कोशिश करूँगा। और तीसरा मुद्दा है कि यहाँ जितने भी गरीब हैं उनको सही ढंग से ना वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है, ना किसी तरह का कुछ का व्यवस्था है, उसको सब देखूँगा। दूसरी बात फिर है कि दानापुर नगर परिषद में इतना बड़ा एरिया है, वहाँ ना किसी तरह का कोई पार्क है बड़े बुजुर्ग के लिए, ना बच्चा के खेलने के लिए कोई अथी है व्यवस्था है, वो सब देखूँगा, उसका बनाने का कोशिश करूँगा। यही हम लोग का मुद्दा है। अच्छा, एक और जैसे मुद्दा ये आता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर नली गली सड़क और इन मूलभूत सुविधाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर कैसे विकास करेगा दानापुर? विकास उसमें लगना होगा, लग भिड़ कर उसको करवाना होगा। जब तक हम इतना फंड आता है हमारे नगर परिषद में, अब पहले तो मान लीजिए फंड नहीं आता था, कुछ कम आता था, लेकिन अब एक विधायक एक सांसद से भी ज़्यादा फंड हमारे नगर परिषद में आता है, तो जब हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर बना के दिखाएंगे जनता को कि कैसे काम होता है। यहाँ तो नगर परिषद में काम जो है हमारा बिक जाता है। सवाल है कि 40% जो है उसका कमीशन कट जाता है, 60% में लोग को काम दे दिया जाता है, तो लोग काम क्या करवाएंगे? सवाल है कि उस कोई इंजीनियर नहीं देखता है ढंग से, ना कोई आपको बोलता है चेयरमैन देखते हैं सही से। अब जब समय आया है तो चेयरमैन गाड़ी या घोड़ा लेकर दौड़ रहे हैं कि वोट दीजिए, तो किस अथी पर वोट देंगे जनता? पहले से क्यों नहीं थे वो लोग आगे? जब हमारे दानापुर नगर परिषद था तो फंड मिलता था, तो पहले से भी तो देखना चाहिए कि हमारे नगर परिषद में क्या काम कर रहे हैं, हमारे वार्ड का पार्षद लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तो पहले से तो कोई ध्यान दिए नहीं। अभी जो पिछले रह चुके हैं जो अध्यक्ष, क्या लगता है कि जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको जिता रही है लगातार, तो आप पर भरोसा क्यों करेगी? जनता जो है उनको नहीं जिता रही है, उनको पार्षद लोग जिताते थे और पहले मुद्दा था लेन देन का, पार्षद को मिलता था, पार्षद अपना प्रतिनिधित्व उनका सौंप देता था। और हमारा मुद्दा है कि हमने जो भी है हम अपने प्रति जो है विकास का कार्य करेंगे, इसलिए हम दानापुर नगर परिषद से अपना पत्नी को खड़ा किया हूँ कि जिताओ और उसके बाद नगर परिषद किस तरह से विकास होता है, विकास कर करके अपने हम जनता को दिखाएं, यही हमारा अथी है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूँगा कि सही से वोटिंग करें, सही से बटन दबाएं सही जगह पर, कि बाद में हमको पछताना ना पड़े कि हमने फिर गलती कर दिया। और यही करूँगा, हमारा नाम शंकर सिंह है, हाथ जोड़ करके मैं यही करूँगा जनता से कि सही व्यक्तित्व को चुने जो कि हमारे नगर परिषद का
विकास हो। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शंकर सिंह, जो कि पूनम देवी दानापुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। जनता को क्या डिसाइड करना है वो जनता चुना अपना डिसीजन लेगी, लेकिन आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9, और हम बिहार के उन तमाम जगहों से नगर निगम चुनाव को लेकर के सभी अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूनम देवी नगर परिषद दानापुर से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा टमटम छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।